हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों देखिए, ये है पिटूनिया प्लांट। देखिए बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और अब इनका ये लास्ट सीज़न है। अब इनका सीज़न जो है कि ऑफ होने वाला है, आगे गर्मियां शुरू होने वाली हैं, तो ये प्लांट हमारे जो है कि सूख जाएंगे। तो अब इनके हम देखिए फ्लावर कैसे जो इनके ड्राई हो रहे हैं, तो सीड पोर्ट जो है इनका बनने लगता है। तो अब इनके सीड कलेक्ट करने का समय आ गया है। तो देखिए जो ये आप देख रहे हैं, इसी के अंदर इनका सीड पोर्ट होता है। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह का सीड पोर्ट रहता है। तो हम पहले अपने हैंगिंग पोर्ट को नीचे उतार लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ कहाँ इसमें सीड पोर्ट है। तो देखिए पहले आपको दिखाते हैं कि सीड कैसे सीड की तैयारी होती है इसमें। तो पहले देखिए ऐसे ड्राई हो जाता है फ्लावर जब, फिर उसके बाद कुछ ऐसे फ्लावर ड्राई हो जाता है, उसके बाद फिर देखिए एकदम ऐसे सूख जाता है फ्लावर, और फिर लास्ट में आप देख सकते हैं इसके अंदर जो कि है सीड पोर्ट बनने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखिए जब इसको आप हटाएंगे तो देख सकते हैं इसमें सीड पोर्ट है, दिख रहा होगा आपको। तो ऐसे करके इसमें कई हैं। उसके बाद ये जो होता है कि जब सूख जाता है तो इसमें देखिए छोटे छोटे से कितने सारे इसमें जो सीड हैं जमा हैं, और देखिए कुछ तो बाहर भी निकल आए हैं। तो अगर इसे आप इसी पर रहन देंगे तो ये सारे जो है कि सीड पोर्ट तैयार होके और इसी में ही गमले में ही गिर जाएंगे। तो आपको थोड़ा जूमिंग करके दिखा रहा हूँ। तो आप इसको आराम से तोड़ना है इसको, और जैसे ही आप इसको तोड़ के हल्का सा इसे रफ़ करेंगे तो देखिए पूरे आपके हाथ पे जितने इसमें सीड होंगे ये सारे निकल आएंगे। तो इसको आप किसी कागज़ में करके नेक्स्ट सीजन के लिए रख सकते हैं। काफ़ी बारीक होते हैं ये, तो जब नेक्स्ट सीजन जैसे ही आएगा तो आप इनको फिर से दोबारा से आपके प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये मेरे हाथ में लगभग 100 के लगभग होंगे ये सीड। तो आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, तो आप जितना हो सके जितने ये सीड हैं पोर्ड हैं तो आप इनको कलेक्ट कर लें। और देखिए इसमें भी, देखिए इसमें पूरे जो कि है भरा रहते हैं। तो बस आपको यही करना है। तो ये देखिए इसको मैं रख लूँगा, आपको इनको ऐसी जगह स्टोर करना है जहाँ पे नमी ना हो। आपको एक कागज़ के अंदर रखने हैं इनको, और उस कागज़ को किसी पन्नी में आप करके और इनको ऐसी जगह रखें जहाँ पे नमी बिल्कुल ना मिले। अगर आप ऐसी नमी वाली जगह पे रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ भी कहना तो कमेंट करें। फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।